दसों महाविद्या देवियों को मेरा प्रणाम। प्रत्यक्ष दस महाविद्याई, हरस हरस आशीष बरसाई। जी उठे सब मृत मूर्छित वानर, राम सिया पर नाम की सादर। राम सिया राम जय हनुमान। सीते मेरी प्राण वल्लभा, स्वामी मेरे हृदय के देवता, अश्रु जान की नैन जो टपका, पूर्ववत भयो शतानन लोका। नेह में भावुक सिया रघुराई, सबहु देव पुलकित हर साई। राम सिया राम जय हनुमान। देवेश्वरी, ये शाश्वत सत्य है कि पवित्रता स्त्री के नेत्रों से छलकने वाले दुख के अश्रु संसार में प्रलय ला सकते हैं, जैसा कि शतानन के इस लोक में एवं लंका में हुआ, और वही सुख के अश्रु संसार को सुख और समृद्धि से भर सकते हैं। पवित्रता का कोप संसार को विध्वंस कर सकता है, तो प्रेम एक नवीन सुख में संसार का सृजन भी कर सकता है। ये देखो, ये सुंदर हरी घास, ये शतानन के इस भयंकर लोक में इतना मनोहारी परिवर्तन। ये देखो, हमारे आहत होने के चिन्ह भी चले गए। प्रभु,
प्रभु श्री राम की, 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 माता जानकी की, माता जानकी की। प्रभु आपके कारण हम सबको संसार से अधर्म को मिटाकर धर्म की स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपके एवं माता के अद्भुत पराक्रम के साक्षी बनकर हम धन्य हो गए प्रभु। प्रभु आप दोनों को कोटि कोटि नमन। प्रभु श्री राम और माता सीता को हम सब की ओर से कोटि कोटि नमन। कल्याणस्तु। प्रभु कुछ समय पूर्व शतानंद का जो लोग भयावह प्रतीत हो रहा था अब स्वर्ग की भांति सुंदर एवं शांत दिखाई देने लगा। प्रभु का आशीर्वाद और धर्म पथ पर चलने वाले भक्त जहां पहुंच जाएं वो स्थान नरक से स्वर्ग में परिवर्तित हो जाता है और फिर जहां प्रभु श्री राम और देवी सीता स्वयं उपस्थित हो वो स्थान तो स्वर्ग ही बन जाएगा ना। उस अधर्मी का समूल नाश हो चुका है, अब समय आ गया है लंका लौट चलने का। जय श्री राम। प्रभु प्रभु के वनवास की अवधि समाप्त तो होने को है। अवश्य ही प्रभु एवं माता लंका से अयोध्या को प्रस्थान करने के लिए सज्जित हो रहे होंगे, किंतु किंतु माता और प्रभु हैं कहां? प्रभु 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 तो वहां है प्रभु माता के साथ। अंत भला तो सब भला, किंतु प्रभु के श्री मुख पर अभी भी चिंता के भाव दिखाई दे रहे हैं। अब क्यों चिंतित हो रहे हैं मेरे प्रभु? हां बड़ा आनंद आएगा, मुझे आशा है प्रभु अवश्य इसके लिए स्वीकृति दे देंगे। किंतु महाराज प्रभु से ये बात कहेगा कौन? मैं हनुमान से बोलता हूँ, वो प्रभु से बात करेंगे। हाँ हनुमान, ये हनुमान कहाँ गए? प्रणाम प्रभु, प्रणाम माता। प्रभु आपको चिंतित प्रतीत हो रहे थे, यदि आपको कोई चिंता है तो आप मुझे बताइए, मैं उसे दूर करने का प्रयास करूंगा। हनुमान मुझे ज्ञात है कि तुम मेरे कार्य के लिए सदैव तत्पर रहते हो। प्रभु तो फिर आप मुझसे मत छिपाइए,
कृपया करके मुझे बताइए वो क्या है जिसने मेरे प्रभु को चिंतित कर दिया। हनुमान, ये चिंता तुम्हारे प्रिय प्रभु राम की नहीं है, ये चिंता अयोध्या के होने वाले राजा राम की है। एक साधारण नर के उत्तरदायित्व पर एक राजा के उत्तरदायित्व में बहुत बड़ा अंतर होता है हनुमान। राजा बनना मेरे लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा होगी। प्रभु, आपका नाम ही बड़ी से बड़ी परीक्षा को सुगम्य कर देता है, फिर आपको कैसी चिंता? हनुमान, सिंहासन पर बैठने के साथ ही मुझे अनेकों उत्तरदायित्व संभालने होंगे, अनेकों राजधर्म निभाने पड़ते हैं एक राजा को, जो किसी परीक्षा से कम नहीं होते। प्रभु, संसार साक्षी है कि आपने अपना पुत्र धर्म, पति धर्म और मित्र धर्म भली भांति निभाया है, तभी तो सब आपको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, फिर आप राज धर्म को लेकर इतने चिंतित क्यों हैं? हनुमान, एक अच्छा राजा वही होता है जो स्वयं को प्रजा का शासक नहीं सेवक समझे, राजा के लिए सुख वैभव भोगना बहुत सरल है, किंतु वास्तव में राज धर्म निभाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है हनुमान। प्रभु, मैं कुछ समझा नहीं। हनुमान, देवी सीता को अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ी, जबकि मुझे उनकी पवित्रता पर पूर्ण विश्वास था, किंतु संसार को दिखाने के लिए सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। इसी प्रकार भविष्य में मुझे भी कड़ी परीक्षा देनी पड़ेगी, इसके लिए मुझे स्वयं को तैयार करना है। प्रभु, आपका ये तुच्छ सेवक इतना अवश्य जान गया है कि मेरे प्रभु के राजकाज को ये संसार सदियों तक स्मरण रखेगा। राम राज एक सुखमय राज का परिचायक होने वाला है। ऐसा तुमने कैसे जान लिया? किंतु माता, जहां का राजा राजा बनने से पूर्व ही राज धर्म की, प्रजा के सुख दुख की चिंता करने लगे, माता, तो ये निश्चित है कि उनके राज में प्रजा सुख और समृद्धि से भरपूर रहेगी। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रणाम माता। प्रभु, स्वर्ग के समान सुख में उस राम राज्य के दर्शन करने के लिए हम सब वानर भी बहुत उत्सुक हैं। प्रभु, सभी आपके साथ अयोध्या जाना चाहते हैं। हाँ हाँ, हम भी अयोध्या जाएंगे प्रभु, हमें भी अपने साथ ले चलिए। हाँ हाँ प्रभु, हम भी अयोध्या जाएंगे, हमें भी अपने साथ ले चलिए। हाँ हाँ प्रभु, हम भी अयोध्या जाएंगे। प्रभु, हर्ष से प्रफुल्लित आपकी सेना आपको राजा राम के रूप में देखने को उतावली हो रही है। मेरे वीर वानरों, आप सबका मुझ पर बहुत बड़ा उपकार है, मेरे हर सुख में भागीदार बनना आप सबका अधिकार बनता है। मुझे प्रसन्नता होगी जो आप सब मेरे सुखद क्षणों में उपस्थित रहेंगे। प्रभु श्री राम की जय। माता सीता की जय। प्रभु श्री राम की जय। माता सीता की जय।
यदि वनवास की अवधि समाप्त होने के सूर्यास्त तक आपने एक भी दिन का विलंब किया तो आप अपने अनुज भरत को जलती हुई चिता में देखेंगे भैया। क्या हुआ प्रभु? पुनः आप कुछ स्मरण करके चिंतित हो उठे? हनुमान, वनवास की अवधि में मात्र दो ही दिन शेष रह गए। अवधि समाप्त होने के पश्चात यदि सूर्योदय से पूर्व में अयोध्या नहीं पहुंचा तो मेरा भरत अपने प्राण त्याग देगा। हाँ प्रभु, ये तो बड़ा ही कठोर प्रण ले लिया था भरत भैया ने। हाँ हनुमान, वनवास के आरंभ में जब मैं चित्रकूट के कामदगिरी पर स्थित वन में निवास कर रहा था तो मेरे पिताश्री महाराज दशरथ के अंतिम संस्कार के पश्चात भरत मुझे अयोध्या वापस लेने के लिए आया था। जब तक आप अयोध्या का राज सिंहासन नहीं स्वीकार करेंगे आपका यह अनुज आपका भरत आपके चरणों में पड़ा रहेगा। भरत, तुम्हारे निश्चल प्यार का मैं अनादर नहीं करना चाहता, किंतु पिताश्री को दिए हुए वचन की अब हेलना भी नहीं करना चाहता मैं। इसलिए मैं वचन देता हूं कि मैं 14 वर्ष पश्चात लौटकर अयोध्या का राजपद स्वीकार कर लूंगा, किंतु तब तक अयोध्या का राजपाट तुम्हें ही संभालना होगा। तो भैया, आपको भी मेरा एक निवेदन स्वीकार करना होगा। अगले 14 वर्षों तक अयोध्या के राज सिंहासन पर मैं नहीं, आपकी चरण पादुका ही विराजेगी। मान जाइए भैया। क्या कर रहे हो भरत? भ्राता, आप मेरे ज्येष्ठ हैं और एक अनुज का कल्याण बड़े भ्राता के चरणों में होता है। इस प्रकार से मुझे सदैव यह आभास होता रहेगा कि मेरे शीश पर आपकी छत्र छाया है। भैया, आपके प्रतीक रूप में यह चरण पादुकाएं अयोध्या के राज सिंहासन की शोभा बढ़ाएगी और मैं आपका प्रतिनिधि बनकर 14 वर्षों तक अयोध्या का राजकार्य संभालूंगा। कुछ कहना चाहते हो भरत? भैया, आपके बिना एक एक क्षण मेरे लिए कठिन होगा, इसलिए आपको मुझे वचन देना होगा कि वनवास की अवधि समाप्त होते ही आप अयोध्या लौट आएंगे। यदि वनवास की अवधि समाप्त होने के पश्चात आपने एक भी दिन का विलंब किया तो आप अपने अनुज भरत को
जलती हुई चिता में देखेंगे भैया। ये मेरा प्राण है भैया। इसलिए मुझे शीघ्र अति शीघ्र अयोध्या के लिए रवाना होना होगा हनुमान। मुझे शीघ्र अति शीघ्र अयोध्या के लिए रवाना होना होगा हनुमान, जिससे कि आज से तृतीय दिवस की प्रातः तक हम अयोध्या में हो। किंतु चिंता इस बात की है, इतने कम समय में ये कैसे संभव होगा हनुमान? प्रभु, आपके सेवक के रहते आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं आपको और सब लोगों को लेकर शतानंद लोक गया और फिर आया, इसी प्रकार मैं अपनी पूंछ पर सबको लेकर अयोध्या भी जा सकता हूँ। हनुमान, प्रभु, यदि पुष्पक विमान होता तो हम सब सहजता से अयोध्या पहुंच जाते, किंतु वो तो भ्राता कुबेर को वापस लौटा दिया गया है और हनुमान को पुनः कष्ट भी नहीं उठाना पड़ता। वो क्या है? जो व्यक्ति अपने वचन का मान रखते हैं उसकी सहायता के लिए सभी सदैव तत्पर रहते हैं।